Hello everyone, so welcome back to the third lecture of organic chemistry. In the previous classes we have already completed what is organic chemistry, importance of organic chemistry and also full nomenclature for organic compounds. In today's class we will discuss about homologous series and isomerism. So homologous series को start करने से पहले हम लोग representation of organic compounds को देखेंगे कि एक organic compound को क्या क्या way से हम represent कर सकते हैं. तो representation of organic compounds देखिएगा तो इसको हम लोग दो way में represent करते हैं. एक होता है molecular formula representation, एक होता है structure formula representations. Molecular formula representation में actual number of each kind of atoms, कितना कितना एटम्स एक मॉलिक्यूल्स में है उसको इंडिकेट करते हैं, बस और कुछ नहीं करते. फॉर एग्जांपल अगर देखिएगा, इफ आई राइट CH4 मीथेन जिसको बोलते हैं, तो अब देखो इससे क्या आपको इंडिकेट हो रहा है कि वी हैव वन कार्बन एटम एंड फोर हाइड्रोजन एटम. इसी तरह से अगर हम इस तरह से लिखते हैं C4H10, दैट इंडिकेट ब्यूटेन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4 एंड कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 10. इस तरह से बहुत सारा हो सकते हैं एग्जांपल C2H4 जिसको हम लोग इथीन बोलते हैं, तो कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 4. सो इस तरह का जिसमें आपको रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ इच काइंड ऑफ एटम्स, तो ये रिप्रेजेंटेशंस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन. चलिए उसके बाद आता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना कितना एटम्स है उसका अरेंजमेंट को इंडिकेट करते हैं. तो ये भी दो तरह का होता है आपका, देखिएगा ये होता है, एक होता है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दूसरा होता है ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्मूला. तो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करना है, ठीक है, और कुछ नहीं. फॉर एग्जांपल अगर ले, देखिए ऐसा हम लोग इंडिकेट कर दिए C2H2, इसको इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, कहीं कहीं बुक में इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है. चलिए चाहे इस तरह से रिप्रेजेंट करें चाहे इस तरह से रिप्रेजेंट करें, दोनों सेम है. तो देखो इसमें आप सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ बॉन्ड किया हुआ है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे. उस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं. और भी बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है सर. देखिए अगर डबल बॉन्ड लेते हैं तो कुछ इस तरह से, देखिए ये भी हो गया जिसको हम लोग इथीन बोलते हैं, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है. और भी बहुत सारा वे हो सकता है, मतलब अगर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला. उसके बाद होता है ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्मूला. ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्मूला नाम से ही समझ में आ रहा है, जो ब्रांचेस होता है ना उसको भी इंडिकेट करना पड़ेगा. तो देखिएगा अगर इसका ही इंडिकेट करते हैं हम लोग इसका, तो ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 3 है ना, सो वी हैव टू इंडिकेट 3 ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोजन. देखिए हर एक एटम्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है विद अ बॉन्ड, देखिए यहाँ पे हुआ ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्मूला. इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है. अगर मान लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इसको, तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए पहले सी और सी डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, चाहे यहाँ लिखे जिस डायरेक्शन में लिखते, फिलहाल अभी आपको डायरेक्शन से टेंशन नहीं लिखना है, ऊपर नीचे दाया बाया कहीं भी लिखते हैं, तो ये क्या हो गया आपका ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्मूला. सो दिस आर द वे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसा पैटर्न है जो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको फॉलो करता है. तो वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो अगर फॉलो करे तो वो होमोलोगस सीरीज हो जाएगा, तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर द सक्सेसिव मेंबर फॉलो ए सेम जनरल फॉर्मूला, मतलब होमोलोगस सीरीज में एक के बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा कंपाउंड आएगा, दूसरे के बाद तीसरा चौथा, इस तरह का जो सीरीज बनेगा सबके लिए सेम जनरल फॉर्मूला होता है. पहला क्या समझ में आया कि सर सब पूरी सीरीज में सबके लिए क्या होगा, सेम जनरल फॉर्मूला होगा. दूसरा क्या रहा है, सक्सेसिव कंपाउंड मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, डिफरिंग बाय CH2 ग्रुप, मतलब एक के बाद का दूसरा जो होगा ना वो एक दूसरे से CH2 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है. चलिए इसको हम लोग आगे में देखेंगे डिटेल में. नाउ
अब इसके बाद पूरा एक होमोलोगस सीरीज में सबका जो होगा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगा वो सेम रहेगा एक होमोलोगस सीरीज में। इसके बाद देखते हैं इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट डाउन द सीरीज। सीरीज में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते रहेंगे उसका मॉलिकुलर वेट बढ़ता रहेगा, ठीक है। और लास्ट जो हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। जैसे जैसे सीरीज में हम लोग नीचे जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज करता है। यहाँ पे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ और सिर्फ अभी आप अपने अकॉर्डिंग समझे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये आपके सिलेबस के हिसाब से। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अगर हम डाउन द सीरीज आते हैं तो वो क्या करता है इंक्रीज करता है। मतलब अगर एक सीरीज से मान लेते हैं ए और बी, तो बी का जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा सी से ए से क्या होगा ज़्यादा होगा, जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ए से ज़्यादा होगा। तो ये तो सर एक सीरीज का ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हमारे पास होमोलोगस सीरीज जो जो आपका है सिलेबस में वो क्या है एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्केन का एल ए एन ए। देखिए एल्केन में मतलब सिंगल बॉन्ड में देखिए एक जनरल फॉर्मूला होता है ना सी एन एच टू एन प्लस टू, ये एक जनरल फॉर्मूला है। इसमें देखिए हर एक में सिर्फ एन स्टार्ट फ्रॉम कितना होता है देखिए 1 2 3। हम जब आपको बता रहे थे एल्केन का नॉमेनक्लेचर हम आपको बोले थे जनरल फॉर्मूला को अच्छा से करके रखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको होमोलोगस सीरीज में इसका हेल्प लगता है, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो एल्केन में आता है देखो वो क्या आएगा सी एच फोर, पुट हेयर एन इज इक्वल्स टू वन आपका क्या आया सी एच फोर। सेकेंड आपका जो एलिमेंट है कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा सी टू एच सिक्स। देखिए इधर पे पुट हेयर एन इज इक्वल्स टू टू सी टू टू इंटू टू प्लस टू दैट इज सिक्स। तीसरा जो आएगा सी थ्री एच एट, उसके बाद जो आएगा देखिए सी फोर एच टेन। तो सबसे पहला देखिएगा ये सब कोई सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। चलिए पहला क्राइटेरिया फॉलो हो गया। देखिए सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय सी एच टू ग्रुप है ना, देखिए इसके दरमियान डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे सी टू एच सिक्स है यहाँ पे सी वन एच फोर है, तो इस दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना का है सी एच टू का है। चलिए सिर्फ नहीं और भी जितना नीचे इच्छे जाइएगा ना सबके बीच में कितना का डिफरेंस होगा, देखिए इससे इसका डिफरेंस क्या है यहाँ पे सी थ्री एच एट है यहाँ पे सी टू एच सिक्स है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सी टू एच टू। उसी तरह से यहां पे भी देखिएगा सी टू एच टू। तो देखिए हर एक मेंबर का डिफरेंस जो है वो क्या है सक्सेसिव का सी टू एच टू। तो ये भी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। सिंस दे आर एल्केन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहां पे सी टू एच फोर है, नीचे जाएंगे कार्बन का एटम्स नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहा, हाइड्रोजन का बढ़ रहा, तो इसका ऑब्वियसली आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बढ़ जाएगा। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ना इंक्रीज डाउन अ सीरीज, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो इंक्रीज करता है। तो ये आपका एल्केन का पूरा होमोलोगस सीरीज है। इस तरह से सी फाइव एच आप 12 कर सकते हो, जस्ट जनरल फॉर्मूला में पुट करो एन इज इक्वल्स टू जितना उस अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। और हर एक के बीच में देखिएगा जो डिफरेंस आपको दिखेगा सी एच टू का डिफरेंस दिखेगा। तो ये पूरा एल्केन का होमोलोगस सीरीज आ गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन का होमोलोगस सीरीज का आपको नाम लिखना है। तो थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा देखिए सी थ्री एच एट हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट कितना है। मॉलिक्यूलर वेट देखिए इसका डिफरेंस है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट का पूछ लिया, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कार्बन का कितना होता है वेट वन एटम का 12 होता है और आपको हाइड्रोजन का पता है ना हाइड्रोजन का कितना होता है एक हाइड्रोजन का वेट कितना है आपको पता है 1 होता है, बट वी हैव टू हाइड्रोजन ना, तो दैट इज डिफरेंस कितना होगा 14। इफ आई एम टेकिंग ग्राम तो ये 14 ग्राम होगा, एएमयू लेंगे तो एएमयू रहेगा। तो देखिए ये 14 ग्राम का डिफरेंस रहता है हर एक सीरीज के मेंबर के बीच में। तो ये था आपके एल्कीन का होमोलोगस सीरीज। इसी तरह से अगर हम लोग एल्कीन का होमोलोगस सीरीज देखेंगे तो एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है सी एन एच
2N, ये हम लोग जानते हैं सर। इसमें पुटअप करने स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट मेंबर N कहाँ से स्टार्ट होता है, वी नो N स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4, इस तरह से चलेगा। 1 से क्यों नहीं स्टार्ट होता है, क्योंकि एक कार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कंसेप्ट तो नहीं है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन होने के लिए एटलीस्ट 2 बॉन्ड चाहिए, दैट्स वाई इन स्टार्ट फ्रॉम 2। चलिए तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करते हैं N इजिकल्स टू 2, आता है मेरा C2H4। N is equals to 3, put here C3, यहाँ पे कितना हो जाएगा H6, उसी तरह से C4H8, उसी तरह से देखिए C5H कितना हो जाएगा 10। चलिए अब देखते हैं सक्सेसिव, सेम जनरल फॉर्मूला तो फॉलो कर रहा है, सक्सेसिव मेंबर का डिफरेंस कितना CH2 का है कि नहीं देख लीजिए, है यहाँ पे देखिए C3H6 है, यहाँ C2H4 है, तो इस दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना है, इसमें भी उसी तरह से देखेंगे तो सबके, तो हर एक मेंबर के बीच में डिफरेंस जो होगा वो CH2 का होगा पहला। दूसरा ये चीज़ है, चलिए सेम केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर एल्कीन, डबल बॉन्ड होता है, और ऑब्वियसली जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे उसका केमिकल क्या होगा, मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा, एंड ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो भी आपका इंक्रीज करने लगता है। सो ये पूरा एक एल्कीन का क्या हो गया, आपका होमोलोगस सीरीज हो गया। उसी तरह से एल्काइन का अगर हम देखेंगे सर, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है AlkyNa, ये क्या था एल्कीन का ENA means double bond, YNA means triple bond। चलिए इसका जनरल फॉर्मूला आपको पता है ना, पहले ही बताए थे कि जनरल फॉर्मूला को याद रखिएगा, या इसमें से 2 माइनस होता तो एल्कीन आते हैं, या फिर इसमें से 2 माइनस होता तो एल्काइन में चले जाते हैं। चलिए ये जनरल फॉर्मूला हो गया, इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, N इज इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी क्या होगा 2 से स्टार्ट होगा, और सो ऑन चलता रहेगा 3, 4, 5, 6। 2 से ही क्यों स्टार्ट होता है सर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के लिए तो 2 कार्बन रहेगा तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एक में किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए, दैट्स व्हाई वी नीड एटलीस्ट 2 कार्बन एटम टू फॉर्म कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो यहाँ पे देखिएगा फिर फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा C2, अब पुट करो N इज इक्वल्स टू 2, सो C2H2, देखिए 2 × 2, 4 − 2, दैट इज 2, C2H2, ये आपको समझ में आ गया सर। सेकेंड मेंबर को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए C3H कितना हो जाएगा 2 × 3, दैट इज 6 − 2, 4, उसके बाद उसी तरह से 4, देखिए यहाँ पे 4 पुट कर रहा है तो 4 × 2, 8, 8 − 2, 6, उसी तरह से 8। अब कुछ नहीं करना है, देखिए हर एक मेंबर्स जो है सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, यस ओके सर। अब देखिए सेम जनरल फॉर्मूला के साथ हर एक के बीच में जो डिफरेंस है CH2 का है कि नहीं देख लेते सर, देखिए इसके बीच में डिफरेंस क्या है CH2 का है, इसके बीच में डिफरेंस कितना का है CH2 का है, तो ये भी क्या होता है, और उसके बाद आप जैसा कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा क्योंकि इसके बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, और उसी तरह से इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट बिकॉज द नंबर ऑफ एटम इन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एंड ऑल्सो द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप सीरीज इंक्रीजेस। सो ये भी क्या हो गया एक एल्काइन का पूरा होमोलोगस सीरीज हो गया। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन आता है सर थर्ड मेंबर ऑफ आपका एल्काइन में आपको एल्काइन का थर्ड मेंबर का पूछ लिया, राइट डाउन द नेम ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का एल्काइन का थर्ड मेंबर को लिखना है। तो बस बहुत सारे बच्चे क्या है ना थर्ड सुनते ही सी क्या करते 3 पुट करके और इस फॉर्मूला में जनरल फॉर्मूला में क्या होगा 4 ऐसा लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, थर्ड मेंबर के लिए आपको फर्स्ट मेंबर कहाँ N2 से स्टार्ट हो रहा है ना, देखिए C2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये फर्स्ट मेंबर होगा, ये क्या होगा फर्स्ट मेंबर, ये क्या होगा सेकेंड मेंबर, ये क्या होगा थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर मतलब C4H6 याद रखना है। सिर्फ एल्केन के लिए आपका जितना मेंबर बोलेगा उतना ही इन वाला लिख देना है, जितना मेंबर बोला उतना ही कार्बन वाला लिख देना है, लेकिन एल्कीन एंड एल्काइन में आपको एक ज़्यादा कार्बन का लिखना है। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है ना C2 से स्टार्ट होता है। देखिए अगर हम बोले कि एल्काइन का फिफ्थ मेंबर लिखना है, एल्कीन का फिफ्थ मेंबर मतलब देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए क्या जाना हो 6
और H12 हो रहा है ना, तो फिफ्थ मेंबर देखिए कौन सा हो रहा है, C6H12 हो रहा है, ना कि C5H10 हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग कौन सा है फर्स्ट मेंबर, C2H4। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर। इसके लिए आपको बार बार मैं बोला हूँ कि फर्स्ट मेंबर का कंसेप्ट क्लियर है, फर्स्ट मेंबर पता चल गया, उसके बाद अकॉर्डिंगली पुट करते रहिए और आपका पूरा निकल जाएगा। तो ये पूरा था आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में आपको सिर्फ एल्केन एंड एल्काइन का ही आपके सिलेबस में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छा से, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना होमोलोगस सीरीज में। दैट्स एनफ फॉर योर ICSE क्लास 10। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ICSE के लिए, हर साल लगभग एक दो क्वेश्चन इससे आता है, तो इसको अच्छे से समझिए। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, उसका क्या होता है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट इन देयर अरेंजमेंट, डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उस तरह का कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं और पूरा फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। सो क्या होता है, देखिए आइसोमर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा बट डिफरिंग इन द मॉलिकुलर अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट इन देयर अरेंजमेंट बोल सकते हैं, मॉलिकुलर अरेंजमेंट और डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसको आइसोमर बोलते हैं। इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन का आपका आइसोमेरिज्म है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है, द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म आपको बता चुके हैं। नाउ अगर इसका क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो सकता है उसको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेस्ट वगैरह डिफर हो सकता है, बट क्या है ये, इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम होगा। अच्छा अब देखेंगे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का टाइप क्या होता है। देखिए ये क्लास 11-12 में आप इसको डिटेल में पढ़ेगा। अभी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में एक आता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म चैन, पोजीशन, फंक्शनल मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म वगैरह है, ठीक है। इसमें आपको जो आपको क्लास 10 के हिसाब से पढ़ना है, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ना है और उसमें सिर्फ चैन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, कार्बन का अरेंजमेंट में जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चैन होता है उसमें डिफरेंस रहेगा, और यहां पोजीशन में मतलब फंक्शनल ग्रुप वगैरह जो होगा उसका पोजीशन डिफरेंट रहेगा, ठीक है, बट दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो इस दो ही को हम लोग का ICSE का सिलेबस में है आपका क्या है, आइसोमेरिज्म का टाइप में, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में चैन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद जो है वो आपका ICSE क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, इसी वजह से हम लोग उसको देखते नहीं। ये सारा कुछ को आप लोग क्लास 11-12 में पूरे डिटेल में देखिएगा। आइसोमर ऑफ एल्केन को देखेंगे, तो एल्केन किस तरह का आइसोमर एग्जिबिट करता है, तो देखिए एल्केन मेनली एग्जिबिट चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन कार्बन जो लिंकिंग होगा ना वो अपना लिंकिंग में डिफरेंस करेगा। इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट नहीं है, डबल बॉन्ड आता है तो वो डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग हो सकता था, तो वो पोजीशन आइसोमर फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चैन आइसोमेरिज्म होता है। ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन 1 मार्क के आंसर में, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट मेंबर से हमको पता है ना मीथेन, मीथेन CH4, इसको अरेंज किस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं। इसका अरेंजमेंट और कोई तरीका से पॉसिबल है, नहीं है, तो मीथेन जो है कोई आइसोमेरिज्म फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद उसी तरह से हो गया C2H6, आप देखिए एक एक कार्बन को बढ़ाते रहिए, तो क्या होता है, इस तरह से होता है। इसका क्या अरेंजमेंट कुछ डिफर किया जा सकता है, कोई बताएगा सर, इसको आप जिस तरह से भी करिए, चाहे इसको 1 नंबर बोलिए या इसको बोलिए, इससे ज़्यादा और कोई इसका डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो एग्जिबिट ये भी नहीं करता है। तो चैन आइसोमेरिज्म एल्केन में ना ही मीथेन में होता है ना ही इथेन में होता है। अच्छा प्रोपेन में जाते हैं, सो कैसे होगा सर, C3H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, H8, इसको भी अरेंज करते हैं, कोई इस तरह से अरेंज कर रहा है, कोई बोलेगा सर हम इस तरह से अरेंज करेंगे, इसको यहाँ नहीं देंगे यहाँ देंगे, चलिए इस तरह से अरेंज कर रहे हैं तो ठीक है सर। देखिए सब जगह H दे देते हैं, ये भी H हो गया, ये भी H हो गया, सो CH3 हो गया, तो ये एक अरेंजमेंट दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या अलग अरेंजमेंट है, यहाँ पे कोई अलग अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं, क्यों, देखिए लॉन्गेस्ट चैन खोजेंगे तो यही होगा, तो लॉन्गेस्ट चैन एक ही अरेंजमेंट मिल रहा है, तो चाहे आप इस तरह से दिखाएं चाहे इस तरह से दिखाइए, ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों
सेम है, सेम है ना, देख लीजिए आपका पूरा का पूरा सेम है। अगर बोलता है कोई सर ये तो बेंट हो गया यहाँ पे, तो देखिए लॉन्गेस्ट चैन खोजना, यहाँ पे जैसे नेमिंग होगा यहाँ पे भी वही लॉन्गेस्ट चैन हो जाएगा। तो ये अप टू प्रोपेन जो होता है ना, कोई आइसोमेरिज्म फॉलो नहीं होता है अप टू प्रोपेन। तो हमारा कौन सा आपका सिलेबस में भी देखिएगा ब्यूटेन एंड पेंटेन का है, तो ब्यूटेन एंड पेंटेन में आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है। ये दिखाए इस वजह से कि आपको पता चल जाए कि हाँ आइसोमेरिज्म आपका मीथेन इथेन प्रोपेन में क्यों नहीं होता। डायरेक्टली हम ब्यूटेन का भी दिखा सकते थे, लेकिन क्या है कि आपको समझ में आ जाए क्यों ये सारा कोई आइसोमेरिज्म फॉलो नहीं करता है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं ब्यूटेन से। ब्यूटेन कहाँ है सर? तो ब्यूटेन के लिए चलिए ब्यूट ए एन ए, ब्यूटेन का आपको फॉर्मूला पता है ना, सी सी फोर क्या हो जाएगा, सी फोर एच टेन, ऐसा होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए एक तो अरेंजमेंट इस तरह से हो रहा है, ये तो एकदम हमको सिंपल पता है ना सी एच थ्री, और हम कंडेंस फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है सी एच टू सी एच थ्री। ये एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है जो एकदम सिंपल है, लॉन्गेस्ट चैन एंड ब्यूटेन हो गया। क्या इसी तरह इस मॉलिकुलर फॉर्मूला को लेके कोई डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो देखेंगे सर इस तरह से कुछ एक अरेंजमेंट हो सकता है। कैसा हो सकता है, देखिए सी एच थ्री सी एच थ्री और ये एच और यहाँ पे सी एच थ्री। यहाँ पे एच क्यों दिया, देखिए वन टू थ्री, थ्री बॉन्ड हुआ, एक को कवर करने के लिए फोर करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक एच है। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है अगर देखिएगा तो क्या निकल रहा है, देखिए तो सी वन टू थ्री फोर है, फोर मतलब क्या होता है ब्यूट, सी फोर और एच कितना हो रहा है थ्री 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 नाइन एंड वन टेन, देखिए टेन हो गया ना, मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे क्या होगा, सी फोर एंड एच टू एंड थ्री फाइव, कितना हो गया फाइव, थ्री एंड टू फाइव टू सेवन एंड टेन। देखिए ये दोनों देखिएगा, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखिएगा सी फोर एच टेन है, बट दे आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर, सो दे आर कॉल क्या आइसोमर टू इच अदर। अगर आपको आई एग्जाम में राइट डाउन द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, सो यू हैव टू राइट दिस वन एंड दिस वन, उसके बाद उसका नाम लिखना होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट ए एन ए। हम आपको बताए ना लॉन्गेस्ट चैन, देन नंबरिंग, नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, देन काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वन टू थ्री फोर, फोर के लिए ब्यूट आता है एंड सिंगल बॉन्ड है ए एन ए, ठीक है। इसी तरह से इसका क्या अगर बोले तो इसका भी लॉन्गेस्ट चैन हो गया ये। उसके बाद नेमिंग कैसे होगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम, तो टू ये इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं ना, मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा प्रोप ए एन ए, ए एन ई क्यों लग रहा है सिंगल बॉन्ड। तो अगर आपको नाम लिखना है तो नाम भी लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर हो गया, तो देखिए दे आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट इन अरेंजमेंट, ये हो गया ब्यूटेन का आपका आइसोमर। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए, कॉमन नेम कभी कभी बोलता है तो ऐसे लिखा रहता है एन ब्यूटेन, एन मतलब होता है नॉर्मल चैन, स्टेट चैन, एन लगा है मतलब समझिए वो स्टेट चैन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, और इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, आइसो ब्यूट ए एन ए। आइसो किसको बोलते हैं, देखिए बहुत बार आपको याद रखे आइसो नैनो ये वगैरह ये यूज होता है, तो आइसो अगर चैन का फर्स्ट छोड़ के सेकंड जो नंबर आ रहा है वहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। सो वन टू टू दूसरे ही नंबर पे है ना, तो इसको आइसो बोलेंगे। अब जब हम आइसो वाला टर्म यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद हम आइसो हो गया, उसके बाद टोटल काउंट करते हैं कितना नंबर ऑफ कार्बन, वन टू थ्री, इसको भी काउंट करते हैं फोर, तो आइसो ब्यूटेन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आइसो लगा दिया और उसके बाद प्रोपेन बोल दे वन टू थ्री स्टेट पाथ का नहीं, उसके बाद मेरा काम हो जाता है जितना ओवरऑल नंबर ऑफ कार्बन है सबको ले लेते हैं, तो ये इसका कॉमन नेम है। तो कहीं कहीं कॉमन नेम भी पूछ लेता है एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। अगर आप कॉमन नेम आईओपिक लिखना चाहते हैं तो ब्यूट एन और ये टू मिथाइल प्रोपेन। तो ये था ब्यूटेन का आइसोमर, ब्यूटेन का दो आइसोमर होता है, एक हो गया ये दूसरा हो गया ये। उसी तरह से हम लोग पेंटेन में जाते हैं, पेंटेन, पेंटेन का क्या होगा सर फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। हमको पता है ना फॉर्मूला सी फाइव एच कितना होता है, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला सी टेन सी एन टू एन प्लस टू होता है ना, तो फाइव पुट करेंगे तो ये ट्वेल्व हो जाएगा। चलिए ये तो सर समझ में आ गया, पहले इसका जनरल फॉर्मूला है, अब इसका क्या डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है। सबसे पहला तो नॉर्मल एक दिख रहा है सर, चलिए ये तो दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सी, अच्छा यहीं पे हाइड्रोजन पुट कर देते, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, ये हो गया।
एक पोजीशन, ये एक अरेंजमेंट हो गया। और क्या ऐसा अरेंजमेंट, इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 C5 है, C5 और H कितना हो रहा, 3 into 5 7 9 and then 12 हो गया ना। तो देखिए इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला ठीक है पेंटेन के हिसाब से। और इसका अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है सर, ऐसा एक हो सकता है, देखिए तो इस तरह से हो सकता है कि नहीं। चलिए इसका अरेंजमेंट देखते हैं, पहले हाइड्रोजन को पूरा पुट अप कर दे। पहले देखिए ये एक H रहेगा, यहाँ पे H2 रहेगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे भी CH3। सर यहाँ पे क्यों 2 हो रहा है, क्योंकि 2 बॉन्ड है और टोटल 4 करना पड़ता है। यहाँ देखिए 1 2 3 बॉन्ड हो चुका है, तो एक हाइड्रोजन रहेगा, एक बॉन्ड बनेगा। आप इसको पूरा हाइड्रोजन का बॉन्ड देके स्ट्रक्चर अरेंजमेंट भी कर सकते हैं जो आपको बताए थे, हम कंडेंस फॉर्मूला को फॉलो करें। चलिए इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, देखिए तो कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 5 C5, हाइड्रोजन कितना हो रहा 3 and 3 6 7 8 9 10 11 12। सो देखिए C5H12, दे आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला ना। सी देखिए C5H12 C5H12, बट दे आर डिफरेंट इन अरेंजमेंट। सो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, आइसोमर हो गया। क्या और हो सकता है ऐसा पॉसिबल, तो एक और हो सकता है। कैसा हो सकता है सर, देखिए इस तरह से कुछ हो सकता है। सी यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब देखिए यहाँ पे भी CH3 होगा, क्योंकि कार्बन का कितना होता है 4 होता है वैलेंसी, ये सबको हम बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए ये भी एक अरेंजमेंट हो सकता है। देखिएगा इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो रहा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला आप देखिएगा तो क्या होगा। चलिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन, तो C5 हाइड्रोजन कितना है 3 and 3 6 9 and 12, देखिए 12 हो गया। सो देखिए हर एक का देखिएगा मॉलिकुलर फॉर्मूला, चाहे इसका हो गया, चाहे इसका हो गया, चाहे इसका हो गया, दे आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर अरेंजमेंट, सो दे आर कॉल आइसोमर टू ईच अदर। अगर एग्जाम में आ जाए राइट डाउन द आइसोमर ऑफ पेंटेन, तो आपका क्या रहेगा, पेंटेन का आपको कैसा होगा 1 2 3, तीन आइसोमर होगा, 1 2 3। अच्छा इसके बाद इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम तो आपको पता है पेंटेन। चलिए पेंटेन हो गया, इसका नाम क्या होगा, देखिए पहला लॉन्गेस्ट चैन मिथाइल ग्रुप, सो क्या हो जाएगा नाम इसका सर, इसका हो जाएगा 2-methyl, 2-methyl, और उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 ब्यूट एन, ये आपका आयोपिक नेम हो गया 2-methyl-butene। इसी तरह से इसमें भी लॉन्गेस्ट चैन खोजना होगा, तो हम लोग स्टेट वाले कोई लॉन्गेस्ट ले सकते हैं, कोई ऐसे टर्न करेगा भी तो लॉन्गेस्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका 2-2-dimethyl, और उसके बाद क्या होगा 1 2 3 3 के लिए क्या होता है प्रोपेन, तो ये आपका क्या हो गया आयोपिक नेम हो गया। अगर आता है एग्जाम में पेंटेन का आइसोमर लिखना, तो ये तीनों को लिखिएगा विथ स्ट्रक्चर एंड देन ऑल्सो राइट देयर नेम, पेंटेन आइसो 2-methyl-butene और ये क्या हो जाएगा आपका 2-2-dimethyl-propane। यहाँ पे भी कुछ कॉमन टर्म का, कॉमन नेम का कंसेप्ट आता है, जैसे आपको बताया है कि आपका जब ये आपका स्टेट रहता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एंड पेंटेन लिख सकते हैं, एन पेंटेन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब नॉर्मल स्टेट से एन रहता है तो वहाँ पे एन लग जाता है, सिर्फ पेंटेन लिखे या एन पेंटेन लिखे, तो एन इंडिकेट करता है स्टेट पाथ, ठीक है, और कोई ब्रांचेस नहीं है यहाँ पे। चलिए आप ये कॉमन नेम है, ये जो है हम लिख रहे हैं ये कॉमन नेम है। इसका क्या होगा सर, देखिए इसका भी फर्स्ट नंबर पे आपको मिथाइल ग्रुप है ना, सेकेंड नंबर पे जो आपको बताया था यहाँ पे आइसो का कंसेप्ट, तो ये भी हो जाएगा आइसो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो, नंबर ऑफ कार्बन कितना 1 2 3 4 5 5, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोपेंटेन, क्या हो जाएगा आइसोपेंटेन। हम बताए थे जब आइसो आता है ना फिर ब्रांचेस वगैरह कार्बन को भी ले लेते हैं, तो आइसो आ गया, तो आइसो ये लिख के 1 2 3 4 5 5 मतलब पेंटेन हो गया। चलिए उसी तरह से अगर ब्रांच में दो जगह आपका ऊपर और नीचे दोनों तरफ कोई मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग नियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं नियो पेंटेन हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा नियो, नियो तो आपका लग गया पूरा, उसके बाद क्या हो जाएगा पेंट। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 and 2 5 हो जा रहा है ANA, तो ये क्या हो जाएगा नियो पेंटेन। सो एग्जाम में अगर पूछे
तो आप पूरा एकदम अच्छे से लिख दीजिएगा ये तीन, तीनों का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, तीनों का फॉर्मूला, आयोपिक नेम पूछे तो आयोपिक नेम लिख लीजिएगा, अगर तीनों का कॉमन नेम पूछे तो कॉमन नेम बता दीजिएगा। तो ये एल्केन का आपका पूरा रहा आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा एल्केन में आइसोमेरिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है, एल्केन में आइसोमेरिज्म ब्यूटेन से स्टार्ट होता है। और ब्यूटेन का दो आइसोमर होता है, एक होता है ब्यूटेन, एक होता है 2-methyl propane, या इसको एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन बोलते हैं। पेंटेन का आइसोमर होता है कि नहीं, होता है, कितना होता है आपका, तीन आइसोमर होता है, एक हो गया एन ब्यूटेन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, तीसरा नियोपेंटेन, ये कॉमन नेम हुआ। अगर आयोपिक नेम की बात करें तो पेंटेन ये हो जाएगा 2-methyl butane और ये हो जाएगा 2-2-dimethyl propane। तो ये था आपका पूरा आइसोमेरिज्म ऑफ एन एल्केन। अब देखते हैं आइसोमर ऑफ एल्कीन, एल्कीन का आइसोमर क्या होता है। तो एल्कीन जो है ना बोथ चैन एंड पोजीशन आइसोमर करता है, फॉलो करता है। तो चैन आइसोमर मतलब क्या, आपको बताए थे कि इस जो कार्बन कार्बन जो लॉन्गेस्ट चैन होता है वो अपना कार्बन कार्बन का अरेंजमेंट में डिफरेंस लाएगा, बट हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है ना कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो अपना पोजीशन को चेंज करता है। तो इसमें भी आपका क्या होता है, ये जो स्टार्ट होता है आइसोमरिज्म ब्यूटेन से ही होता है, उससे नीचे में कोई आइसोमर फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट अरेंजमेंट कर रहे हैं फिर भी वो सेम हो जा रहा है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस देख लिए। तो पोजीशन आइसोमर में पहला जो हम लोग देखते हैं C4H8। क्यों सर H8 लिखे? क्योंकि हमको पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन होगा नाम। चलिए इसका पहले हम लोग पोजीशन, पोजीशन का मतलब डबल बॉन्ड अपना अरेंज पोजीशन को चेंज करेगा। तो देखते हैं सर, पहला एक ऐसा हो सकता है पोजीशन सी डबल बॉन्ड सी एंड ये एक अरेंजमेंट हो सकता है ना, सबके साथ हम लोग हाइड्रोजन को भी पुट अप कर देते हैं CH2 CH CH2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3। सबसे पहला देखिएगा ये एक ब्यूटेन है कि नहीं, आपका पहले इसका फॉर्मूला ये आ रहा है कि नहीं। तो देखिए C1 2 3 4 हो गया C4, उसके बाद हाइड्रोजन 2 N 3 4 4 N 2 5 N 3 8 हाइड्रोजन 8, मतलब ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेन है। चलिए ये तो समझ में आ गया, ये एक अरेंजमेंट हो सकता है। एक और हो सकता है ना, ये और क्या हो सकता है सर, कुछ इस तरह से पोजीशन में अपना डबल बॉन्ड को चेंज कर लेगा। चलिए एक ऐसा फॉलो कर सकता है CH2 CH CH एंड CH3, यहाँ पे CH3 होगा। क्यों होगा सर, एक बॉन्ड है ना। तो देखिए इसका भी पहले हम लोग देखेंगे मॉलिकुलर फॉर्मूला कितना हो रहा है, C5 4 1 2 3 4 हो गया, हाइड्रोजन देखिए 3 एंड 1 कितना हो रहा, 4 5 एंड 6, चलिए 8 इसका भी हो गया। सो देखिए दे आर हैविंग सेम क्या, सेम व्हाट, मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये भी आइसोमर है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ, फर्स्ट में पहला नंबर पे है, सेकंड में थर्ड, सेकंड नंबर पे। अच्छा सर कोई ऐसा बोलेगा तो क्या वो सेम होगा, ऐसा कोई अगर बोलेगा तो ये आपका जो है ना ये वाला और ये वाला, ये और ये सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको पता है नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, जहाँ से नियरेस्ट कार्बन होगा तो ये यहाँ होगा, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से, यही होगा। तो इसको सिर्फ ऐसे रिवर्स कर दीजिएगा तो ये सेम है, तो ये दोनों सेम ही होता है, इस वजह से इसको नहीं लिखते, चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखे। चलिए तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोजीशन डबल बॉन्ड का एक यहाँ पे है और एक कहाँ पे है, एक डबल नंबर पे है। अब यहां शिफ्ट करेंगे तो ये और ये तो सेम ही हो गया, सो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, आइसोमर हो गया। चाहे आप नीचे वाला लिख के इसके साथ लिख सकते थे, चाहे ये लिख के इसके साथ लिख सकते थे। तो ये देखिए पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड डिफर है, सो दे फॉलो पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका नाम क्या होगा सर, लॉन्गेस्ट चैन, उसके बाद क्या होता है ब्यूट, उसके बाद वन इन भी लिख सकते हैं कोई कोई बंदा, अगर ऐसे लिखे वन इन That is also enough, या वन ब्यूटीन लिखेगा वो भी चलेगा। इसका क्या होगा सर, इसका हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट चैन, पोजिशन ऑफ नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ पे नंबरिंग तो वही हो रहा था, देख लिए थे, तो क्या लिख सकते थे ब्यूट 2
इन। यहाँ पे देखिए पोजीशन डबल बॉन्ड का टू है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या वन है। सो दे आर डिफरेंट इन देयर पोजीशन बट दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, दैट्स व्हाई दे फॉलो पोजीशन आइसोमर। इससे ज़्यादा और ब्यूटेन में नहीं हो सकता है। इसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख सकते हैं, चैन जिसको चैन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। चैन में क्या हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है ना सर, चलिए ये तो एक है दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे CH2 दे दिया, यहाँ पे CH दे दिया और यहाँ पे भी क्या दे दिया, CH2। ये आपको दिख रहा है, इसका पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे, यही वाला सेम है, टू सी वन टू थ्री फोर और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, टू एंड थ्री, थ्री टू फाइव एंड दिस एट, ये हो रहा है। ये तो एकदम सिंपल है, चलिए सर इसमें कोई बात नहीं। इसका चेन ऐसा भी कुछ तो हो सकता है ना, देखिए तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे के यहाँ पे सी एच थ्री दे दे, यहाँ पे सी एच थ्री दे दे, ये तो और नहीं है। चलिए देखिए इसमें भी देखते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो रहा है, सी फोर वन टू थ्री फोर, फोर हाइड्रोजन देखिए थ्री एंड थ्री सिक्स, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि देखिए वन टू थ्री फोर, फोर आपका पूरा सेटिस्फाई है कार्बन का, तो हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पे दो बॉन्ड हो चुका है तो दो हाइड्रोजन, सो टू थ्री फाइव एंड थ्री टेन एट, सॉरी ये एट हो गया। तो देखिए दे आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर अरेंजमेंट ऑफ चैन, दैट मीन्स मेन जो चैन था उसमें अरेंजमेंट में डिफरेंट हो गया। तो ये क्या कर रहा है, चैन आइसोमेरिज्म को फॉलो कर रहा है। तो ये एक नंबर हो गया, दो नंबर हो गया। अगर एग्जाम में आता है राइट डाउन द आइसोमर ऑफ क्या, ब्यूटीन, ब्यूटीन का, तो आपको दोनों दिखाना होगा, चैन आइसोमर भी दिखाना होगा और पोजिशन आइसोमर भी दिखाना होगा विद देयर नेम। इधर नाम क्या हो जाएगा सर, इधर तो आपको पता है ब्यूट वन इन, यहाँ पे नाम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चैन ये हो गया, नंबर दिस साइड से यही, दिस साइड से इस तरह से करेंगे वन टू थ्री, क्यों, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, टू मिथाइल, मिथाइल हो गया, उसके बाद वन टू थ्री फोर, थ्री है ना, प्रॉप वन इन या प्रोपीन भी कोई लिखेगा तो दैट्स एनफ। तो ये आपका दो नेम हो गया। तो अगर आपको आए राइट डाउन द आइसोमर ऑफ ब्यूट इन तो आप ऐसे लिखिएगा, ये चैन आइसोमर हो गया, ये पोजीशन आइसोमर हो गया। इसी तरह से इसके बाद आपका ब्यूट पेंटीन का आपको आइसोमर आपको क्लास टेन में नहीं पूछेगा। तो ये था पूरा आपका एल्किन का आइसोमेरिज्म, बोथ पोजिशन आइसोमेरिज्म एंड चैन आइसोमेरिज्म, इसको नोट डाउन कर लीजिए विथ देयर नेम। इससे ज़्यादा और आपको कुछ नहीं करना है एल्किन के लिए। आइसोमेरिज्म इन एल्काइन को देखते हैं, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, सी एन एच टू एन माइनस टू, ये आपको जनरल फॉर्मूला पता है। तो यही याद रखना, एल्काइन जो है ना वो मेनली पोजिशन आइसोमेरिज्म को फॉलो करता है। देखिए आपको पता होना चाहिए एल्केन में चैन आइसोमेरिज्म, एल्कीन में बोथ चैन एंड पोजीशन एंड एल्काइन में पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये आपको वन मार्क्स में टिकआउट में वगैरह में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, इसका जनरल फॉर्मूला पता है ना। तो इसमें भी आपको ब्यूटेन से मतलब ब्यूटाइन से फोर नंबर ऑफ कार्बन से ही आपका क्या होता है आइसोमेरिज्म फॉलो होता है। उससे पहले क्यों नहीं होता है एल्केन में आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि उसके बाद जो भी अरेंजमेंट करे वैसा डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग ब्यूटाइन को देखें तो पहला क्या अरेंजमेंट हो सकता है, देखिए एक ये हो सकता है आपका पहला, आप ऐसे ही लिखते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दे रहे हैं, चलिए ये एक हो गया। एक और कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है सर, कुछ इस तरह से हो सकता है, देखिए ये हो सकता है। कोई बोलेगा सर ये भी तो हो सकता है, तो सर ये और ये दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगा थ्री फोर, यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगा, तो दोनों का तो नेम सेम आएगा, तो दे आर सेम। इसी वजह से चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखे किसी एक को, हम ऊपर वाले को फॉलो कर रहे हैं। चलिए तो ब्यूटाइन में पहला क्या हो सकता है, यहाँ पे एक एच आएगा, यहाँ पे एक भी एच नहीं आएगा क्योंकि थ्री बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा टू बॉन्ड, टू हाइड्रोजन होगा क्योंकि दो बॉन्ड है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सी एच थ्री। सबसे पहला इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं, वन टू थ्री फोर सी फोर, एच कितना हो जाएगा वन टू थ्री, थ्री हो गया और ये थ्री सिक्स एच सिक्स,
यहाँ पुट अप करिए तो फोर फोर हो जाएगा, टू इंटू फोर एट, एट माइनस सिक्स, तो सेम हो रहा है, तो ये अल्काइन है। चलिए पहला तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड का चेंज हो गया, एक ये हो सकता है, तो फर्स्ट ये है, सेकंड वन क्या है, ये आपका एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक भी बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि देखिए थ्री एंड वन, यहाँ पे भी एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे, इस तरह से। तो इसका भी मॉलिकुलर फॉर्मूला देखिएगा क्या होगा, सी फोर एच कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। देखिए दे आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सी हेयर सी फोर एच सिक्स सी फोर एच सिक्स, बट दे आर डिफरेंट इन देयर अरेंजमेंट एंड स्पेशली अरेंजमेंट ऑफ देयर डबल ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स द पोजिशन आइसोमर को ये फॉलो करता है। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, ब्यूट वन आइन, पोजिशन फर्स्ट लॉन्गेस्ट चैन नंबरिंग ये सब करके देखेगा, ब्यूट वन आइन। इसका क्या हो जाएगा नाम सर, ब्यूट टू आइन। सो अगर आपको एल्काइन का आए तो ब्यूटाइन एल्काइन में फोर नंबर ऑफ कार्बन का आए तो आप एक नंबर में वो दूसरे नंबर पे ये लिख देगा विद देयर नेम। अच्छा अब आते हैं पेंटाइन, मतलब फाइव नंबर ऑफ कार्बन अगर रहे तो वो भी पोजीशन ही करेगा, कैसा रह सकता है सर, पहला देखें कुछ इस तरह से हो सकता है, कुछ इस तरह से। सर कोई बोलेगा सर ऐसे अगर हम लिख दें, ठीक है लिख दीजिए। दूसरा क्या हो सकता है, चलिए फोर नंबर ये हो गया, और देख सकते हैं सर और कुछ हो रहा है क्या, ये तो सेम ही हो जा रहा है, यहाँ पे करने का इच्छा है, ठीक है चलिए ये हो गया। और देखिएगा सर और देखिए, चलिए ये आपके इच्छा के अनुसार देखिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ सब बना दिए, लेकिन देखिए इसमें ना दो एक दूसरे का कॉमन हो रहा है। जैसे देखिए अगर यहाँ से नंबरिंग करें, लॉन्गेस्ट चैन खोजें, ये हो गया तो नंबरिंग फर्स्ट ये हो जा रहा है, यहाँ से करें तो देखिए क्या हो जाएगा, नंबरिंग फर्स्ट ये हो जाएगा। सो दिस टू आर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे का सेम है, सेम है मतलब कॉमन है, तो चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखे एक लिखना होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ अगर देखें लॉन्गेस्ट चैन, ये देख लिए ये लॉन्गेस्ट चैन हो गया, सो नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड वन टू थ्री फोर फाइव, ये देखिए तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चैन ये हो रहा है, नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव। सो देखिए हर एक के केस में ये दोनों भी क्या होगा, नेमिंग पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, दोनों को मिला के एक होगा, इस दोनों को मिला के एक होगा। जैसे अगर आप देखना चाहते तो पूरे डिटेल में देख लीजिए, सी एच हो गया यहाँ पे, यहाँ एक भी बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे एच टू हो गया, यहाँ पे एच टू हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच थ्री। उसी तरह से देखिए यहाँ पे देखेंगे एच थ्री, एक भी बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे भी एक भी बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे एच टू हो गया, यहाँ पे एच थ्री। इसी तरह से यहाँ देखते हैं सर सबके साथ पूरा सेम ही हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू, कोई भी बॉन्ड नहीं, यहाँ पे भी कोई भी बॉन्ड नहीं हाइड्रोजन का, सी एच थ्री। इसमें देखते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, ये कोई बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे सी एच, ये हो गया। अब आते हैं आपका नेमिंग पे, सबसे पहले देखिए इसका नेमिंग अगर लिखेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, पेंट वन आइन, सिंपल कथा और कुछ नहीं, एकदम हो गया। यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव लॉन्गेस्ट चैन हो गया, यहाँ पे कितना होगा, पेंट टू आइन वाई एन ई आइन। उसकी तरह इधर देखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ये भी हो जाएगा पेंट, ये भी टू हो जाएगा वाई एन ई, क्यों टू होगा, क्योंकि यहाँ से नंबर ही कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, पेंट वन आइन। तो देखिए बोलने का ये था कि देखिए ये और ये सेम है ना, तो किसी एक को लिखेगा, ये और ये सेम है तो किसी एक को लिखेगा, तो हम कोई भी आप दो इसमें से इस दोनों को हटा दीजिए, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर हो गया, तो इसी वजह से देखिए ये पेंट टू आइन ये और ये दोनों सेम है, पेंट वन आइन ये और ये सेम है, इसी वजह से इसको मिटा देते हैं, दो दो बार तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आइसोमर ऑफ पेंट फाइव कार्बन ऑफ एल्काइन आता है तो आपको पहले एक ये स्ट्रक्चर लिखना होगा, दूसरा ये। देखिए इसमें भी आपको देखिए डिफरेंट इन देयर अरेंजमेंट और देयर पोजीशन, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म फॉलो करता है। चलिए तो ये था आपका आइसोमर ऑफ फुल एल्काइन, ये पूरा डिटेल में आपको आइसोमर है। आई होप सो ये पूरा आपको होमोलोगस सीरीज एंड आइसोमर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।